पापा मेरे। Hey guys. So guys, अभी आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा हो कि हम सभी को कोविड हो गया था एंड कई सारी चीजें हुए। सो वही अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारे घर में सभी कोविड पॉजिटिव आ गए, और मैंने जैसे बताया कि सब लोग ठीक भी हो गए। इसके पापा का थोड़ा सा सीवियर केस हो गया था, उनको मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इसके पापा भी डिस्चार्ज होके घर पे आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और हाँ, आपका एक लाइक ही हमारे लिए प्रेयर है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हाँ गाइज, इस टाइम पे कोविड-19 की वजह से पूरे देश का माहौल ही बिगड़ गया है। इसी टाइम पे एक काफी अच्छी चीज है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो हमको भी काफी ज्यादा पसंद आई। अन अकेडमी इस मुश्किल समय में दो स्पेशल सेशंस कर रहा है। उनमें से पहले सेशन का तो मुझे इंतजार हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसे होस्ट करें इंडिया के हमारे सबसे ज्यादा फेवरेट कपल, और उनमें से एक जन का तो नाम मेरे जैसा सेम है, आपने तो अभी तक गेस कर ही लिया होगा। उनका नाम है विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा। इसमें विराट एंड अनुष्का शेयर करेंगे अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस, जैसे कि वो बताएंगे कि उनने इस टफ टाइम में कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा, और कैसे लॉकडाउन और कर्फ्यू के टाइम हम लोग खुद सब साथ में इनोवेटिव हो सकते हैं। लास्ट में विराट एंड अनुष्का शेयर करेंगे पर्सनल सीक्रेट जिससे वो इतने सक्सेसफुल बन पाए। मेरा फेवरेट सेशन तो सेकंड सेशन है, क्योंकि उसमें होस्ट कर रहे क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर को। इसमें सचिन तेंदुलकर के साथ आपको लाइव बातचीत करने का मौका मिलेगा, और ऐसी लाइफ की उनकी कहानियां सुनने का मौका मिलेगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। दोस्तों, ये दोनों सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, तो याद रखिएगा लिमिटेड सीट्स ही है, तो जाके हमारा कोड जो स्क्रीन में डिस्प्लेड है उसे यूज कीजिए और पाइए फ्री एंट्री इन दोनों सेशन की। इसके सिवा भी अनअकैडमी ऐप और भी बहुत सारी चीजें करता है, जैसे कि टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप टेस्ट और स्पेशल सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स तो होते ही रहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो गाइस, ये ऐप को तो मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, होप कर रही कि आप भी इसे एंजॉय करें। तो आपको मैं बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हम सब अच्छे हो गए, इसके पापा भी डिस्चार्ज होके आ गए। आने के बाद 2 दिन तक इनकी तबीयत काफ़ी अच्छी रही और 2 दिन घर में रहे। तीसरे दिन सुबह में 10-11 बजे के बाद इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, जैसे कि इनको चक्कर आना शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे। तो उस दिन मैं यहीं बालकनी में बैठा था आयुष्का, और हम बात कर रहे थे, अचानक मुझे थोड़ा बेचैनी महसूस हुई, ऐसा लगा कि पता नहीं, मुझे अनिजी लगने लगा, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं आके बेड पे लेट गया, उस तरफ मुंह करके उसका बोली, पापा क्या हो गया, इधर बात करो। तो मैं इधर मुंह किया, तब तक मुझे बहुत भूख लगी थी। आशा को बोला कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाओ, ब्रेकफास्ट ला के मैं तुरंत बोला कि मुझे सोना है। तो जैसे मैं सोया, सोने के बाद एसी वगैरह बंद, मैंने बोला चालू करके आप लोग जाओ, मुझे सोना है, क्योंकि मैं वीक बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि करीब करीब 17 दिन हॉस्पिटल, 18 दिन था, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। तो मैं अचानक बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगा, ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा तुरंत। तो मैं चिल्लाया बहुत ज़ोर से, तो आशा भाग के आई, मेरा छोटा भाई भाग के आया, तो मैं बोला मुझे जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, और तब तक अनु वायु दोनों आ गई। तो इसका इसको बोली, पापा को क्या हुआ, तो इसका को मैं बोला बेटा जाओ जाओ तुम अपने रूम, मम्मी हाँ, और अनु भी आ रही थी, अनु बोली पापा क्या हुआ क्या हुआ, तो अनु भी रुक नहीं रही थी, पापा क्या हुआ। तो मैं बोला कि बच्चे घबरा जाएंगे, तुम दोनों रूम में जाओ, रूम में जाओ। स्टार्ट में जब ये सब चिल्ला रहे थे, मैं लिविंग रूम में थी और मैंने हेडफोन लगाकर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। तो जब पापा को इतना टाइम हो गया, बुलाया नहीं, कोई बात नहीं करा, तो मैं जब चेक की तो मैं देखी पापा का चेहरा इतना डरा, आंख इतने बड़े, मैं सोची कुछ क्या हुआ, फिर पापा मम्मा बता नहीं रहे थे, मुझे आकर रूम में भेज दिया। और मैं तब रोने लगा, बहुत ज्यादा रोने लगा, क्योंकि मैं घबरा गया। तो मैं आशा को बोला मेरे बाजू में बैठो, और आशा को बोला जल्दी जूस लाओ, क्योंकि मैं ऐसा लगता था अगर घिला तो तुरंत बेहोश हो जाऊँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और मुझे लगा हार्ट अटैक आ जाएगा तुरंत। तो आशा बैठी रही, एक घूट जूस पिलाई, और मैं डॉक्टर को तुरंत फोन किया, तो डॉक्टर ने बोला कि मैं 7,000 चार्ज लूंगा घर आने का, तो बोला जो लेना जल्दी आओ। 1 घंटा लगा, तब तक आशा बैठ के एक एक पानी, ग्लूकोज, जूस, मैं ऐसे ऐसा था, एक एक जूस पिला रही थी। मेरे लिए एक एक सेकेंड कीमत से लगा कि मैं आज बचूंगा नहीं, ऐसा पोजिशन हो गया। तो डॉक्टर 1 घंटे में आया, तब तक मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। जिस हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया था, जहाँ से डिस्चार्ज करके लेके आए, उसी डॉक्टर को मैंने बोला कि अभी हमें लाने में टाइम लगेगा, आप घर पे ही आ जाओ। तो वो घर पे आए, लेकिन इनको चेक किए
और दवा देके गए कि इनको एंजाइटी जैसे क्योंकि, आ रहा क्योंकि है। मैं क्या हुआ, सैटरडे आया था, मंडे ट्यूजडे मुझे अच्छी नींद नहीं आई, मुझे ऐसा लगा मुझे तुरंत सोना है और अगर मैं सोया नहीं तो पागल हो जाऊंगा या कुछ तो हो जाएगा। तो दिया बोला नींद का दवा देके वो तो चले गए, और बोले नींद की दवा तुरंत लाओ। तो भाई मेरा दवा लाया और दवा मैं खा लिया, बोले अभी आपको नींद आएगी सो जाओगे। दोबारा ये लोग रिलैक्स हो गए, मेरे को भी तबीयत अच्छी लगने लगी, तो ये लोग बाहर गए, बोला अभी मुझे सोने दो। जैसे 15-20 मिनट गुजरा सेम सिम्टम आने लगा, सेम घबराहट, सेम ऐसे लगा हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं दोबारा चिल्लाया और तब तक मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी चेतना थी, मुझे ऐसा लगा कि अब जल्दी से हॉस्पिटल मुझे ले चलो। मैं बोला कि अगर रास्ता में 10 मिनट और रुका तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, निकल नहीं पाऊंगा। तो मैं जल्दी से जल्दी इनको बोला मुझे अब किसी से बात मत करो, मुझे वहीं जो हॉस्पिटल में एडमिट था सेकेंड हॉस्पिटल वहाँ मुझे लेके चलो। तो जल्दी से जल्दी गाड़ी में कैसे लोग गए वहाँ जाके बैठे, और डॉक्टर के पास वहाँ जैसे पहुँचा आशा भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, और मुझे गाड़ी में जरा झटका लगता था तो मुझे लगता था हार्ट धीरे चलो मैं रास्ते भर चिल्ला रहा था, आशा घबराई थी, मुझे रास्ते भर जूस पिला रही थी बार बार। हॉस्पिटल पहुँचा तो डॉक्टर दोबारा चेक किए, मेरा ऑक्सीजन लेवल सब बराबर था कुछ नहीं, और सारा चेक किए, हार्ट बीट भी अच्छा था। तो फिर वो इंजेक्शन लगाए मुझे और बोले अभी सो जाओगे। और तब डॉक्टर आए, डॉक्टर जो मेन डॉक्टर थे वो बोले मैं 10 बजे रात को आऊँगा। तो मैं इंजेक्शन लगा, 10-15 मिनट सोने की कोशिश किया, फिर मुझे सेम सिम्टम आने लगे कि अब तो मुझे हार्ट अटैक है, बचूंगा नहीं। मैं इनको बोला कि आशा अभी कुछ भी करो, यहाँ से मुझे ले चलो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो भाई बाहर गाड़ी लेके आया, गाड़ी में जैसे बैठा तब इनको, तब ये आशा का भी तब चेहरा डाउन था, आशा को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, इसको भी प्यास आने लगा। और मैं जैसे गाड़ी में बैठा मतलब अब क्या करूं, तो मेरे को समझ ही नहीं आया था मैं करूं क्या, क्योंकि मेरे लिए डिसीजन लेना और जो दूसरा डॉक्टर 7,000 लिया था चेक किया था, वो भाई को बार बार फोन कर मेरे यहाँ लाओ और एडमिट कर दो, यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ कर लूँगा, भाई बोल रहा था। वहाँ से गाड़ी निकली तो भाई उनके हॉस्पिटल बोला जाऊँ कहाँ जाऊँ, मैं बोला 2 मिनट दो, मुझे थोड़ा सोचने के लिए टाइम दो। तो मैंने तुरंत यहाँ कृपा शंकर सिंह विधायक को फ़ोन किया, उस टाइम वो फ़ोन उठाए नहीं, मैं उनके दामाद राजू सिंह जी हैं उनको फ़ोन किया, उठाए तो मैंने उनको बताया मुझे अभी ऐसा सिम्टम, अभी मैं करूँ क्या। तो बोले 2 मिनट दीजिए मुझे अर्जेंट में, हिंदुजा हॉस्पिटल में फ़ोन किए, तो वहाँ पे क्योंकि कोरोना कोविड पेशेंट को लेते नहीं, मुझे कोविड ही हुआ था, तो बोले कि आप एक काम करो नज़दीकी हॉस्पिटल में कहीं तो जाओ, क्योंकि अभी आपकी हालत ख़राब है और ऐसा ठीक नहीं है, आप तुरंत पहले कहीं एडमिट हो जाओ। तो कोकिला बहन मेरे घर के एकदम बाजू में था, तब तक मैंने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया, वो भी नहीं उठाया, मैंने उनको मैसेज डाला प्लीज़ कॉल अर्जेंटली, उनका भी तब तक फ़ोन आ गया, मैंने बताया कि ऐसा सा मुझे हो रहा, वो बोले तुरंत आप वहाँ जाओ ECG टेस्ट कराओ और मुझे बताओ। मैं तुरंत भाग के वहाँ से कोकिला बहन हॉस्पिटल में आया और कैसे कैसे करके इमरजेंसी में गया। भाई हॉस्पिटल के अंदर ले जाने तक इनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ड्रॉप हो गया, क्योंकि पहले से ही इनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, ICU में थे, लेकिन वहाँ पे भाग दौड़ करने में हॉस्पिटल मतलब हमने आपातकालीन में ले गया, फिर भी थोड़ा तो इनको चलना पड़ा, तो उससे इनका ऑक्सीजन भी काफी डाउन। और मैं वहाँ बहुत हाँफने लगा, आशा मुझे पकड़ी थी लेकिन फिर भी मुझे इतना हाँफ रहा तो वहीं खड़ा हो गया। तुरंत वो लोग भाग के आए, मुझे चेयर पे बिठाए, फिर आशा को और आशुतोष को अंदर वहाँ एंट्री नहीं लिए, मुझे अंदर लेके गए, क्योंकि वहाँ बड़ा हॉस्पिटल है अलाउड नहीं किसी को, अंदर ले गए, तुरंत ऑक्सीजन लेवल चेक किए, तुरंत ECG किए, तुरंत इको जो सोनोग्राफी जैसा रहता है वो किए, उसके तुरंत बाद इतना हाई ट्रीटमेंट था वहाँ पे कि अगले 15-20 मिनट के अंदर वो वही जो व्हील चेयर जो ICU की थी वही सेम बेड लेके सेकेंड फ्लोर फिर थर्ड फ्लोर मुझे याद नहीं कौन सा फ्लोर था, तुरंत जाके सिटी स्कैन कराए, 15-20 मिनट सिटी स्कैन करके नीचे लाए। तब तक मुझे घबराहट एंजाइटी जैसे लग रहा था, अभी सांस तेज चल रही थी, तुरंत ग्लूकोज इंजेक्शन ये वो सब चालू किए, फिर उन्होंने डॉक्टर जो मेन डॉक्टर थे उन्होंने रेफर किया ICU में, तो उसी रात मुझे ICU में डाला। सुबह डॉक्टर जो मेन डॉक्टर सुमित सिंघानिया जी थे वो आए, जो चेस्ट के डॉक्टर थे उन्होंने मुझे फिर सारा हाई लेवल का ट्रीटमेंट, फिर उनका डाइटिशियन, फिर मेरा शुगर लेवल भी बढ़ गया, फिर उन्होंने सारा एक दिन ICU में रख के ऑब्जर्व किया, 2 दिन ICU में रखा, 2 दिन ICU के बाद रूम में शिफ्ट किया नॉर्मल। रूम में शिफ्ट करने के बाद उन्होंने पूरा दवा, चूंकि मेरा उन्होंने बताया कि आपका ब्लड क्लॉटिंग हो गया था, तो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से एंजाइटी ये वो, फिर उन्होंने नींद की दवा दिया, कंटिन्यू ग्लूकोज, कंटिन्यू दवाएं, तो 3 दिन रखा। आशा भी इतना घबराई हुई थी, भाई भी, बच्चे भी इतना ज़्यादा उस टाइम मेरा डिप्रेस हो गए थे दोनों,
कि बता नहीं सकते, जो ये दोबारा मतलब ऑलरेडी पहला हॉस्पिटल जहाँ की जितने दिन मैं था वहाँ मेरे से मुझे लगता नहीं कोई बच गया। मैं इतनी लाशें इतना देख के घबरा गया था। पहले हॉस्पिटल में आशा को बोला घर लाओ, घर ला के एक दिन आईसीयू घर में बनाई, फिर दो दिन बाद दूसरे हॉस्पिटल गया, वहाँ तीन दिन आईसीयू, दोबारा बाहर। तो मेरा शरीर इतना, चूंकि मैं 10-10 किलोमीटर दौड़ना एक्सरसाइज वाला आदमी था तभी इतना सफ़र कर पाया। लास्ट में जो मेरा इतना दिन के बाद मेरा ऐसा हो गया मेरे शरीर में जान ही नहीं, 12-13 किलो वजन कम हो गया, हाफ राम था। इसके बाद जो लास्ट में तीन दिन रखा डॉक्टर ने, तीन दिन के बाद डिस्चार्ज किया। और सबसे अच्छी बात, जो सबसे खुशी की बात रही कि जब मैं जो रूम में मुझे बाद में शिफ्ट किया, पर्सनल रूम दिया, वो रूम से मेरे घर का बालकनी दिख रहा था, तो वहां से बच्चों को ऐसा लग रहा था मेरे घर पे है। तो मेरा इतना नसीब अच्छी कि जो रूम में था मेरा घर का बालकनी, तो ऐसा लगता बच्चे हमें देख रहे हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं। हम लोग ऐसे कूदते थे, हम लोग पापा को नहीं देख पाते थे, हम क्योंकि इतने सारे विंडोज हम समझ नहीं पाते थे कौन सा, हम लोग रैंडमली देख के ऐसे हाय हाय करके नाचते थे। बट मैं वहां से देख रहा था, तो चूंकि जब मैं घर आया इतना बच्चे खुश, इतना तीन दिन हो गया मुझे आके, आशा ने हमको आरती उतारी, बच्चे सारा मेरी छोटी दोनों पापा जो पीपल पापा गए। हॉस्पिटल में मतलब तीन हॉस्पिटल हमने चेंज किया और 23 दिन पूरा हॉस्पिटल में रहे हैं। 12-13 किलो वेट लॉस हो गया है, मतलब सिर्फ हड्डी रह गई है। आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा इनको कि किस तरह थे, उनका फेस भी जब आया था ना तो ऐसे बहुत बदला था। लेकिन भगवान की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से अभी अच्छे हो गए हैं। आज 3 दिन हो गया घर पे आके, अभी काफी रोज का रोज इम्प्रूवमेंट हो रहा है और काफी अभी चेंज आ गया। बट बाथरूम वगैरह जाता था, वीकनेस बहुत ज्यादा, वन मंथ बेड रेस्ट दिया, अभी बाथरूम भी जाता हूँ तो 5 मिनट सांस लेके मतलब खुद को कंट्रोल करने में लगता है। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कोविड में, ऐसा लगता है कि ये मेरी सेकेंड लाइफ है। मैं तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं 23 दिन हॉस्पिटल में रहा, ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं 23 दिन, और अभी भी नींद का दवा दिया है जिससे मैं रिलैक्स रहूं, जिससे सोऊं। और साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर भी थे उन्होंने बोला 1 मंथ आपको स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट करना है। तो मैं जो सफ़र किया हूं तो मुझे लगता है जो सारे लोग सफ़र कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है, और भगवान करे जल्दी से जल्दी ये चीज़ ठीक हो और सब स्वस्थ हों। और मेरा छोटा भाई कल 22 दिन बाद गया, वो पूरा कोविड में मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया। भाई ऐसा भाई शायद ही किसी को मिलेगा, उसने जो मेरी सेवा करी है। क्योंकि लोग अभी कोविड पेशेंट के पास जाने से डरते हैं, लेकिन इनका भाई 22 दिन अपने परिवार के पास ही नहीं गया, 22 दिन गाड़ी में सोता रहा, बाहर गाड़ी में सोया और हॉस्पिटल के गेट से बाहर ही नहीं। और सब लोग हॉस्पिटल में डांटते थे बाहर जाओ, एक एक सेकंड मेरे पास रहा, अपने हाथ से खाना खिलाया। तो ऐसा भाई शायद ही पूरा 4-4 मास्क लगा के पीपी किट पहन के, मतलब इतना ज्यादा संघर्ष किए हैं उन्होंने इनके साथ कि उनका एहसान बहुत बड़ा है। तो इस टाइम में ये बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव रहे और एक दूसरे को पॉजिटिव रहे, मोटिवेट करें। वैसे ही हम लोग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। क्योंकि पापा, अगर आप मतलब हम लोग बहुत पहले से देखते थे ना कि पापा में एक बहुत बदलाव आया है। पहले पापा ऐसे थे, मतलब वो घूमने के मतलब शौकीन है, घर से सुबह जाते थे शाम को आते थे हमारे साथ खेलते थे, हम घूमते रहते थे। फिर जैसे ही कोविड आया अभी हम लोग घर में हो गए, तो पापा फिर भी घर में रहे, प्रिकॉशंस लिए, ऑफिस जाना वाना होता था। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल के एकदम बंद हो गए, उनको नेचर बहुत पसंद है, नेचर को मिस करना, हमारे साथ टाइम स्पेंड मिस करना। अब पता नहीं हम लोग अगर पापा के केस में तो हम लोग तो एग्जैक्टली जब हम लोग इमेजिन करते कि हम पापा में तो हाँ। हम कैसे करते हैं। एंड देन मैं तो बार बार उनसे पूछती रहती हूँ इंजेक्शन का कितना दर्द हो, मेरे को भाई बहुत डरती है, ये तो बार बार पूछती रहती है कि पापा इंजेक्शन कहाँ लगा, रोने लगती देख के। हम लोग को सुन, बच्चों को मैं ज्यादा कुछ बताती नहीं थी क्योंकि बच्चे फिर वो दुखी होते, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब भी मैं फोन पे बात करती थी, मम्मी क्या हुआ, पापा सही है,
पापा ठीक है ना? हाँ बेटा कल आ जाएंगे पापा। अभी मैं पहली बार वो बात सुनी, मैं अभी ऐसे शॉक हो गई। पापा ने कही थी तो मैं वो खुद पता नहीं था क्योंकि मम्मी ने लाइक हाँ इनको पता नहीं तो आज पता चला। मुझे अभी पता चला, अभी और जब भी बच्चों को हुआ या मुझे हुआ कोविड तो मैंने इनको भी हॉस्पिटल में नहीं बताया क्योंकि तो लास्ट में पता चला मुझे। क्योंकि जब ये डिस्चार्ज होके आ गए तभी मैंने बताया कि और इनको ज्यादा टेंशन होगा। तो हम तीनों को हुआ अभी कोविड तो मैं इनको नहीं बताया कि हम लोग को भी हो गया है, लेकिन हम लोग का माइल्ड सिम्टम ही था तो हम लोग घर में ही अच्छे से ठीक हो गए। आप सब लोगों की दुआएं शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे बच्चे आप लोगों से जुड़े हैं, शायद आप लोगों की शुभकामनाएं दुआओं की वजह से ही मैं जिंदा हूं। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं जिंदा हूं, अभी भी ऐसा मुझे भरोसा ही नहीं होता कि मैं घर आ गया। तो ये रहा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आप लोग बहुत सेफ रहिए, बहुत ध्यान दीजिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए, मास्क लगाइए, हैंड वॉश कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, बहुत जरूरी, और लॉकडाउन का पालन कीजिए क्योंकि छोटी सी गलती बहुत बड़ी बन जाती है। इस वीडियो को लाइक करना और सभी के साथ शेयर भी करना जिससे सबको सीख मिले। ये और मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।